शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है हमारे देश के स्टील मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जहां पर इंडिया के जीएसडब्ल्यू स्टील ने डिसाइड किया कि वो कुछ स्पेशलिटी स्टील सेल करेंगे रशिया को। और इसके लिए जो रशिया के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने वेंसडे को इंडिया भी विजिट किया। यहाँ पर जो कलर कोटेड स्टील होता है वो रशिया को देने की बात की गई है। और दोस्तों अभी करेंटली रशिया की सिचुएशन ये है कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की उनकी ज़रूरत है, सैंक्शन वगैरह की वजह से उनको मिल नहीं पा रहे। वैसे मोर देन 500 प्रोडक्ट्स है जो रशिया को ज़रूरत है इंडिया से खरीदने की, क्योंकि उनको इंटरनेशनल मार्केट में उनको लेने में दिक्कत हो रही है। इंडिया इसके अंदर उभरते आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अराउंड 2 से 2.5 साल पहले इंडिया के अंदर स्पेशलिटी स्टील नहीं बनता था और हमको वो इम्पोर्ट करना पड़ता था, जिसकी वजह से लॉकडाउन के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम आया। इनफैक्ट जो वंदे भारत ट्रेन के व्हील्स वगैरह है, इसके अलावा कुछ और दूसरा एप्लीकेशन है, वहाँ पर भी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा डिलेज का सामना करना पड़ा था, क्योंकि हम खुद वो स्टील बनाते नहीं थे। उसके बाद में कुछ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हुए थे जिसके बाद में जीएसडब्ल्यू, जिंदाल, माई, आर्सेलोर मित्तल इन कंपनीज ने बनाना शुरू किया था स्पेशलिटी स्टील। और 2-3 साल पहले जो हम एक 100% इंपोर्टर थे स्पेशलिटी स्टील्स के, वो अभी इंपोर्ट हम करने जा रहे हैं। और ये ट्रांजिशन हमने पिछले 2 से 3 साल के अंदर होते हुए देखा है। तो ऑब्वियसली थोड़ी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी यहाँ पे रोल प्ले करती है कि किस तरीके से हम एक्सपोर्टर बन रहे हैं, लेकिन फिर भी एक कम समय के अंदर एक इंडस्ट्री के अंदर बड़ा चेंज लाना अपने आप में इंडियन इकोनॉमी के लिए बड़ी बात है। अगली दोस्तों को बताइए नेशनल क्वांटम मिशन से रिलेटेड, जिसके लिए सरकार ने अप्रूव कर दिए है 6,003 करोड़ रुपीज अगले 8 साल के लिए। तो यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के द्वारा ये डिसीजन लिया गया। और जो क्वांटम कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटिंग का फील्ड है उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे ये खर्च करेंगे इन पैसों के लिए। करेंटली 6 ऐसे कंट्रीज है जो कि सरकारी लेवल पर क्वांटम कंप्यूटर के अंदर रिसर्च कर रही है, जहां पर यूएसए, चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और फिनलैंड ये कंट्रीज आती है। अब इंडिया भी इस लिस्ट के अंदर कंट्री बन गई है जिन्होंने अपने गवर्नमेंटल लेवल पे इसके बारे में रिसर्च करने का डिसीजन लिया है। अगली दोस्तों खबर आ रही है आसाम से, जाके चीफ मिनिस्टर के द्वारा शेयर किया गया है एक नया लुक मां कामाख्या कॉरिडोर का। तो दोस्तों कामाख्या देवी मंदिर जो है आसाम के गुवाहाटी के अंदर, ऑब्वियसली वन ऑफ द बिगेस्ट और हिस्टोरिक टूरिस्ट स्पॉट्स है और पिलग्रिमेज साइट्स तो है ही। यहां पर जिस तरीके से सोमनाथ में काम किया जा रहा है, जिस तरीके से उज्जैन में कॉरिडोर खुला, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर खुला, और जो बहुत ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्स के साथ में अभी काफी लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, वैसे ही सिमिलर तरीके का मां कामाख्या कॉरिडोर यहां पर बनाने का डिसीजन लिया गया है, जहां पर पूरे के पूरे टेंपल एंड सराउंडिंग एरियाज को एक मेजर रिडेवलपमेंट के थ्रू गुजारा जाएगा। बहुत ज्यादा चीजें अब इंप्रूव की जाएगी, अलग अलग जो जो फैसिलिटीज जरूरी होती है यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए उनको बनाया जाएगा, हिस्टोरिक चीजों को बेहतर रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इसका जो वॉक थ्रू वीडियो है वो भी पब्लिश कर दिया गया है। अगली खबर दोस्तों ये एप्पल के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन से रिलेटेड, जिन्होंने कहा कि अपने चेन्नई वाले प्लांट के अंदर वो इंटरनल एक्सपांशन करेंगे 2 नए बिल्डिंग्स के साथ। तो दोस्तों ये खबर वो पिछली न्यूज वाली खबर नहीं है जहां पर फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और जो दूसरी कंपनीज है इन्होंने कई बेंगलुरु में कई दूसरे जगहों पर ब्रांड न्यू फैसिलिटीज बनाने की बात की गई थी, वो पूरी न्यू फैक्ट्रीज थी। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग इंडिया के अंदर आईफोन बनाने वाली फैक्ट्रीज है उनमें 2 बिल्डिंग्स के साथ में फॉक्सकॉन एक्सपांशन करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एप्पल मैन्युफैक्चरिंग वाली न्यूज है वो भी धीरे धीरे ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन आते जा रही है। आप जानते हो 2 एप्पल स्टोर जो है कल के दिन तक इंडिया के अंदर ओपन हो चुके हैं, और फॉक्सकॉन और दूसरी कंपनी जो है वो सिर्फ आईफोन एंड एप्पल मैन्युफैक्चरिंग नहीं, कहीं दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी इंडिया में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि यहाँ पर हम समझ सकते हैं किस तरीके का इंपैक्ट ले आएगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक्स पार्क डेवलपर इंडस्ट्रीज रिलेटेड, जिन्होंने कहा कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं 1,000 करोड़ रुपए एनसीआर में वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज बनाने के लिए। टोटल 3.4 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस डेवलप करेंगे 2 लॉजिस्टिक्स पार्क्स के अंदर, एक होगा दतीर में, दूसरा होगा पलवल के पास, और एक और बनाया जा सकता है ताउरू के अंदर जो कि सोहना के पास में होगा। ये वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज ऑब्वियसली मॉडर्न होगी, वर्ल्ड क्लास होगी, और जो नॉर्दर्न इंडिया का गेटवे आप कह सकते हो ये एनसीआर रीजन बनता है मार्केट के अंदर चीजें पहुंचाने के लिए, वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगली दोस्तों खबर ये टाटा सन्स के द्वारा ओन की जाने वाली अभी एयर इंडिया से रिलेटेड, जहां पर एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर कमीशन के अंदर रिक्वेस्ट डाल दी गई है टाटा सन्स के द्वारा विस्तारा और एयर इंडिया को मर्ज करने के लिए। तो दोस्तों आप जानते हो कि एयर इंडिया चाहती ये है कि उनके पास में जो ब्रांड्स है वहां पे विस्तारा और एयर इंडिया को मर्ज कर दिया जाए, सिंगल प्रोडक्ट बनाया जाए। इसके लिए अनाउंसमेंट तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन लीगल पेपरों को वगैरह की जरूरत होती है, कॉम्पिटिशन कमीशन की जरूरत होती है, जहां पर इन्होंने भी ये चीजें कही है कि अभी वो इनका मर्जर करने के लिए लीगल प्रोसीजिंग शुरू कर चुके हैं, यानी जल्दी ये ब्रांड्स ऑन पेपर भी मर्ज हो जाएंगे। अगली दूसरी खबर आ रही है फोक्सवैगन ग्रुप से, जिन्होंने कहा है कि वो और फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स इंडिया के अंदर लाएंगे, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और
और उसके साथ साथ अपनी जो करंट कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग की उसको भी बढ़ाएगी। जर्मन कंपनी ने कहा है कि उनके जो कुछ मॉडल्स पिछले कुछ समय में रिलीज हुए हैं वहाँ पर लोगों के द्वारा रिस्पॉन्स उनको फिर से अच्छा मिलना शुरू हुआ है। अभी करेंटली इंपोर्टेड पार्ट्स जो इंडिया में आते हैं फोक्सवैगन जिनको असेंबल किया जाता है संभाजीनगर में और बाद में इंडिया में इनको बेचा जाता है। अभी आने वाले समय के अंदर ऑब्वियसली दूसरे टाइप की गाड़ियों के सेल्स बढ़ रहे हैं, ईवीज के सेल्स बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए फोक्सवैगन भी अपना काम बढ़ाने वाली है। अगली दूसरी जो खबर आ रही है वो है SJVN ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड, जिन्होंने 134.64 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट जीता है एक नया बैलेंस ऑफ सिस्टम पैकेज तरीके से बनाए जाने वाले 100 मेगावाट सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो दोस्तों पंजाब गवर्नमेंट के साथ में इन्होंने अग्रीमेंट के अंदर एंटर कर लिया है, इसके अंतर्गत यहाँ पर ये 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट बनाएगी। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारे स्टेट ओन्ड NHAI या नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जिन्होंने कहा है कि वो आगे जाकर 10,000 किलोमीटर्स ऑफ ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क बिछाएंगे कंट्री के अंदर उनके हाईवेज के नेटवर्क को यूज करते हुए और ये 2024-25 तक अचीव हो जाएगा। इनको वो नाम देंगे एज नेटवर्क ऑफ डिजिटल हाईवेज और इसकी वजह से होगा ये कि कई जगहों पर यूटिलिटी कॉरिडोर्स तो बन ही पाएंगे लेकिन हाई स्पीड नेटवर्क के अंदर जो बैंडविड्थ कैपेसिटी इंक्रीज आगे जाके लगेगी वो भी इंपॉर्टेंट होगी। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट और अच्छा इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी हाईवेज जब ऑक्यूपाई हो रहे हैं तो उस समय पे जमीन तो मिल ही रही है, सब कुछ हो रहा है, ऑप्टिक फाइबर जो है वो कुछ बहुत ज्यादा जमीन लेगी नहीं और एक वेल नीड कनेक्टेड सिटीज के साथ में जो नेटवर्क ऑटोमेटिकली बन रहा है उसके पास पास से ही ये चीजें गुजरेगी। वैसे दोस्तों पायलट रूट्स के ऊपर हैदराबाद और बेंगलोर के बीच का कॉरिडोर आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर ये लाइंस बिछाई जाएगी और बाद में धीरे धीरे करते हुए देश भर के ऑलमोस्ट हर एक हाईवे के अंदर हमें देखने मिलेंगे ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो है चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर से, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ चेंजेस सजेस्ट किए हैं पंजाब हरियाणा गवर्नमेंट को अपनी कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान के अंतर्गत और यहां पर एक काइंड ऑफ RRTS सिस्टम को प्रपोज किया गया है ट्राई सिटी एरिया के अंदर यानी पंजाब के मोहाली चंडीगढ़ और हरियाणा के बीच में एक लाइन बनाने के लिए जहां पर NH64 PR7 जंक्शन से लेकर राजपुरा के बीच में MRTS को भी सजेस्ट किया गया है यानी छोटे टाइप के आप कह सकते हो मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को सजेस्ट किया गया है। तो इसके जरिए कोशिश की जा रही है कि चंडीगढ़ मोहाली और जो ओवरऑल आप कह सकते हो जो 3 इकोनॉमिक एरिया सेंटर्स बनते हैं यहाँ के दिल्ली के पास वाले उनको बेहतर तरीके से कनेक्ट किया जा सके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आज के आस्पिटी सवाल के बारे में बात करें तो RDR MHP पूछते हैं व्हाई कांट ऑल इंडियन ट्रेन्स गेट कन्वर्टेड टू EMUs फ्रॉम लोकल हॉल्ड वंस। तो देखो यार काफी लिमिटेशंस है, हालांकि फ्यूचर में हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रेन जो है वो इलेक्ट्रिक बनते हुए नजर आएगी, ट्रेन सेट्स बनते हुए नजर आएगी। वंदे भारत एक ट्रेन सेट्स है जहां पे पूरी की पूरी ट्रेन के अंदर अपना पावर देने का तरीका होता है, जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होती है वो भी इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है लेकिन हर एक कोच पावर अपना अपना नहीं लेता, सिर्फ इंजन जो है पावर लेके आगे ट्रेन को खींचता है। अब कुछ लिमिटेशंस ऐसी है कि टेक्निकल डिफिकल्टीज आती है, हमारे यहाँ पर कई ट्रेन जो होती है वो 26-25 कोचेस की होती है जिनके अंदर एक ट्रेन को अगर पूरा ट्रेन सेट बनाया जाया जाए तो एक कोच में भी अगर दिक्कत आती है तो पूरा ट्रेन जो है वो उस टाइम पर चल नहीं पाएगी। कई ट्रेन हमारे यहाँ पर ऐसी होती है जो कि एक सिंगल यूनिट नहीं चलती स्टार्टिंग टू एंड, कहीं पर किसी जंक्शन पर जो है 2-3 कोचेस को निकाल के दूसरे रूट पर भेज दिया जाता है, फिर वहाँ पर कई और कोचेस जुड़ भी सकते हैं। इनफैक्ट इसकी वजह से हमें कई बार ट्रेन के अंदर कॉम्बिनेशन देखने मिलता है, दुरंतों की कोच का रेड कलर ब्लू कलर सब एक साथ दिखने मिलता है। तो ये चीजें EMUs के साथ में पॉसिबल नहीं है, उनको एज एन सिंगल यूनिट ही चलना पड़ता है। साथ साथ ऑब्वियसली EMUs बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है कंपेयर टू नॉर्मल ये जो कोच वाला तरीका होता है ट्रेन बनाने का उससे, तो फिर कई रूट्स के ऊपर ये ट्रेन जो है वो इतनी ज्यादा सेंस बनाती भी नहीं है। साथ साथ कुछ कुछ केसेस के अंदर EMUs के अंदर जो एक्सेलरेशन मिलता है या जो कोच टाइप्स होती है फॉर एग्जांपल पेंट्री कार्स हो गए, अलग अलग तरीके के क्लासेस हो गए, अलग अलग तरीके के टेक्निकल सिस्टम्स हो गए, वो सब कुछ जो है एक पूरे के पूरे EMU के तरीके में बनाना ज्यादा मुश्किल है कंपेयर टू एक एक इंडिविजुअल कोच को डेवलप करना। और इंडिविजुअल कोच के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन मास प्रोडक्शन बहुत जल्दी आता है जिसकी जो ट्रेन कॉस्ट भी कम होती है और कई दूसरे रीजन है जिसकी वजह से सारी की सारी ट्रेन EMU नहीं बनेगी, लेकिन ये बात है कि फ्यूचर में क्योंकि इंडियन रेलवे ऑलमोस्ट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बहुत क्लोजली पहुंच चुका है तो हमें जितनी हो सके उतनी न्यू ट्रेन फ्यूचर के अंदर EMUs या ट्रेन सेट्स में कन्वर्ट होते हुए नजर आएगी लेकिन सारी की सारी नहीं। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में #AskPT के साथ में वो पूछ सकते हो। अगर आप न्यूज सबमिट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, नोटिफिकेशंस को ऑन करना क्योंकि हम रोज ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो।